सिंध में सैलाब से 24 घंटों में 4 बच्चों समेत मजीद 12 अफराद जां बहक हो गए। भान सईदाबाद जूही लिंक रोड पर ओल्ड चक के मुकाम पर छोटा पुल टूट गया। पानी का रैला दादू के रंग बंद को भी उबूर कर गया। यूनियन काउंसिल यार मोहम्मद कलोड़ो के देहात में पानी दाखिल हो गया। जूही ब्रांच पर लगा कट 12 घंटों की कोशिशों के बाद बंद कर दिया गया। मंचर झील के अड़ल हेड, अड़ल टेल और दानिस्तर नहर पर लगाए गए कट से दरियाए सिंध में पानी का अखराज 50,000 क्यूसिक तक पहुँच गया। बदीन की प्राण नदी में पड़ने वाला 50 फुट चौड़ा शगाब 10 रोज बाद भी पुर न किया जा सका। डूबे हुए 30 देहात में पानी की सतह बुलंद होती जा रही है। कोटरी बैराज पर अब भी ऊंचे दर्जे का सैलाब है। 6.25 लाख क्यूसिक से ज्यादा पानी से कई मुकामात पर पुश्तों से पानी रिसना शुरू हो गया। इरीगेशन का अमला और मकामी अफराद रिसाव रोकने में मसरूफ है। नौशेरो फिरोज में म्यूनसिपल कमेटी के वार्ड नंबर 16 में ताहद निगाह पानी ही पानी है और 30 से जायद गाँव के मकीन घरों में महसूर हो गए। इधर सांगड़ के गाँव केवड़मल्ला और दीगर इलाकों के शहरी भी निकासी आब के मुंतजर हैं।